महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागपुर नगर निगम सिलाई, कुकिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी क्लास, संस्कार भारती, रंगोली का प्रशिक्षण देगा। महिला एवं बाल कल्याण विशेष समिति की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ऑनलाइन बैठक में महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष दिव्या धुरडे, सदस्य सोनाली कड़ू, प्रणीता शाहनी, स्नेहा निकोसी और मंगला लांचीवार ने भाग लिया। सामाजिक विकास उपायुक्त राजेश भगत, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर और सामाजिक विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। यदि उनकी आर्थिक आय में वृद्धि होती है तो इससे उनके परिवार को लाभ होगा। प्रत्येक वार्ड में महिलाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। नए वित्तीय वर्ष में महिलाओं को सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। समिति ने सामाजिक विकास विभाग को प्रत्येक जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए पोर्टेबल स्थान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दुर्डे ने निशक्त जनों के लिए बनाई गई वेबसाइट में सुधार करने के भी निर्देश दिए। जिन विकलांग लोगों के पास वित्तीय सहायता योजना में अपना घर नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए अपना घर होने की शर्त में ढिलाई दी जानी चाहिए और व्यक्ति को नागपुर का निवासी होना चाहिए, स्पीकर दिव्या दुर्डे ने कहा। उन्होंने नागपुर नगर निगम मुख्यालय को महिलाओं के लिए अपने बच्चों को संतान कराने के लिए अलग से व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।